मेन एसेसरीज, ये नाम जितना ही बड़ा है काम भी उतना ही बड़ा करता है आपकी फैशन सेंस को हाई दिखाने में। अगर लड़के एसेसरीज सही तरीके से पहने देन उनके स्टाइल की गेम 100 से 110% इंक्रीज हो सकती है। तो ये वीडियो उन्हीं छोटी छोटी बातों के लिए है जो आपकी स्टाइल की लेवल को अप करेगी। तो पहले बात कर लेते हैं रिस्ट वॉच की। ये सबसे बेसिक और क्लासिक एसेसरीज आइटम है जिसको आप पहन सकते हैं अपने अपीयरेंस को और अच्छा करने के लिए। इन जनरल वॉचेस को अपनी क्लॉथ्स के साथ मैच करना भी बिल्कुल ईजियर रहता है। ये आपके फैशन टेस्ट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है। एंड अगर आप बाकी की मेन एसेसरीज को अवॉइड करते हैं थोड़ा, तो ये आपके लिए एक आइडियल ओपिनियन है। आप वॉचेस पहनते समय ये चीज़ ध्यान रखना कि आपकी रिस्ट से ढीली नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट फिट की होनी चाहिए। और आप एनालॉग प्रेफर करना ओवर डिजिटल वॉच, क्योंकि डिजिटल वॉच काफ़ी किडिस लगती है। नंबर 2, सनग्लासेज। सनग्लासेज एक असेंशियल मेन एसेसरीज है जो आपको फैशनेबल और स्टाइलिश दिखाने के साथ आपके फेस को और सिमेट्रिकल बनाता है, और ये आपके आईज को डैमेजिंग यूवी रेज से भी बचाता है। आप कोई भी सनग्लासेज पहने तो अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग ही पहने, चाहे तो आप मिरर्ड सनग्लासेज भी ले सकते हैं। अगर आपको सनग्लासेज पहनना अच्छा नहीं लगता देन इस केस में आप सिंपल ट्रांसपेरेंट फ्रेम्स वाले ग्लासेज वियर करेंगे तो वो भी आप पे बहुत स्टाइलिश लगेगा। नंबर 3, नेकलेस। ये भी काफ़ी फैशनेबल एसेसरी है जो कि आपके फेस के बिल्कुल नियर बाई रहती है तो काफ़ी नोटिस में रहती है। ये सिंपल एंड स्टाइलिश फैशन पीस आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ कहती है। नेकलेस पहनते समय आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखना कि आपकी नेकलेस की चेन बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए लेंथ में, क्योंकि छोटी नेकलेस लड़कियों के लिए होती है। नंबर 3, कैप्स। आप जब कैप पहनोगे तो ये आपके एवरीडे लुक को चेंज करेगा। मैं खुद कैप्स को तब प्रेफर करता हूँ जब या तो मेरे बाल सेट नहीं रहते या फिर मेरे को सनरेज से अपने सर को प्रोटेक्ट करना रहता है। कैप्स में आप बेसबॉल कैप्स या टकर कैप्स पहन सकते हैं। आप किसी भी कंडीशन में रैपर कैप मत पहनना, बिकॉज रैपर कैप में आप बहुत ही ज़्यादा लगोगे। नंबर 4, ब्रेसलेट्स। ब्रेसलेट्स एक एक्स्ट्रा स्टाइलिश एलिमेंट ऐड कर देता है आउटफिट में, इंडिविजुअली भी अच्छा लगता है। और ब्रेसलेट्स को हम एसेसरीज एडअप करके पहनते हैं तो वो और भी ज़्यादा कूल वाइब्स देता है। आपको कई तरीके के ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे मार्केट में, जैसे मेटल ब्रेसलेट्स, लेदर ब्रेसलेट्स एक्सेट्रा। आप उनमें से अपने लिए कोई भी चूज कर सकते हैं, पर ध्यान रखना कि एक हाथ में 2 ब्रेसलेट्स से ज़्यादा मत पहनना, नहीं तो उनका चार्म ख़त्म हो जाता है। लोग आपको ओवरऑल स्टाइल देखने की बजाय आपके हाथों को ही ज़्यादा देखेंगे सिर्फ। नंबर 5, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्पेंडर्स। ये चीज़ आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। जो इंस्टाग्राम पे जितने भी फैशन ब्लॉगर्स हैं, ज़्यादा लोगों ने स्पेंडर्स वियर करा है, लेकिन जब आप स्पेंडर्स पहने तो उसके साथ अपने बेल्ट कभी भी नहीं पहननी है। और अगर मैं कलर्स की बात करूं देन हम लड़कों के लिए जो कलर्स हैं वो ब्लैक, ग्रे, नेवी ब्लू, वो लाल, पीले, हरे, नीले मत लेना यार, वो बच्चों वाले होते हैं।